ये गाइस मैंने ये पाइप डाल दिया है, ये 2.5 इंच मैंने होल यहाँ पे अंदर भरा है। अभी देखिए इसकी ताकत देखिए गाइस। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। सुपर तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा हमारा लॉफ्ट टैंक 200 लीटर का। नीचे हमने प्लाउड रखा हुआ है, सेम पोजीशन में हम यहाँ पे कस्टमर के वहाँ पे फिट करेंगे। वहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा आया है गाइस, वहाँ पे जो है डक्ट वहाँ पे दिया गया नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंच के पाइप लगा के सेम पोजीशन में हम ये लॉफ्ट टैंक बाथरूम में फिट करेंगे। तो वहाँ पे चलते हैं हम कस्टमर के साइड पर भी। ये रहा हमारे टेपू भाई प्लम्बर, साथ में सफराज भाई भी है। तो ये चले हम, ये रहा पाइप। तो पाइप पर हमने यहाँ पे वेल्डिंग किए हुए दो टुकड़े देख सकते हैं आप, लोखंड के इसलिए किए हुए हैं, जब भी हम यहाँ पे होल करके जब हम डालेंगे वहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पे होल कर रहे हैं हम। तो ये होल करने के बाद जो पाइप है वो राउंड राउंड ना फिरे, तो जगह पे स्टे रहे, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे अभी ये ड्रिलिंग करेंगे। ड्रिलिंग करने का एक ही रूल है दोस्तों, आप देख सकते हैं थोड़ा सा पहले ड्रिल करके देखें कहीं वहाँ पे वॉल के पीछे जो है वायरिंग तो नहीं गई हुई है। तो पहले पूरी तरीके से सर्च कर ले और कस्टमर से कंफर्म कर ले कहीं वायरिंग तो गई नहीं, अदरवाइज़ वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा काम लग सकता है और सेफ्टी के मामले में भी ये रिस्की हो जाएगा। तो वहाँ पे हमें कस्टमर ने भी हमें कहा था कि वायरिंग नीचे से, फिर भी हमने वहाँ पे एक बार चेक किया। तो यहाँ पे हम 4 होल अभी यहाँ पे कर रहे हैं, ज़्यादा होल और ज़्यादा दीवार भी यहाँ पे ना तोड़े, ताकि काम जो है वो पूरी तरीके से रफ़ हो जाएगा। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर ड्रिल करेंगे। ड्रिल करने के बाद गाइस हम वहाँ पे छन्नी हथौड़ी से जो है इस्तेमाल करके होल को बड़ा करेंगे, ताकि पाइप जो है हमारा जीआई का वहाँ पे अच्छे से फिट हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे अब ड्रिलिंग हो रहा है, फिर से हमारा वर्क चालू हो गया। जैसे ही हमारे को थोड़ा बहुत जो है हार्ड वर्क जो है ड्रिल से काम होने के बाद हम क्या करेंगे, पाइप बैठाने के लिए वहाँ पे हम क्या करेंगे अभी होल करेंगे। यहाँ पे गाइज एक बेनिफिट ये आ रहा है कस्टमर के पास कि बाथरूम का जो हाइट है वो हमें बहुत मिला हुआ है, तो उसकी वजह से वहाँ पे हम लॉफ्ट टैंक वहाँ पे इजी बैठा सकते हैं। अगर आपके भी यहाँ पे घर पर साइट पर अगर वहाँ पे टैंक रखने के लिए अगर जगह नहीं है और वहाँ पे हाइट अच्छी होगी, तो गाइज आप भी इस तरीके से जो है लॉफ्ट टैंक को हम वहाँ पर बिठा सकते हैं। तो अब यहाँ पर वर्क चालू हो गया है। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं टिपू भाई, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा जो है होल नहीं किया हुआ है, जितनी ज़रूरत है पाइप को उतना ही हमने होल किया हुआ है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा इधर 3 इंच और इधर 3 इंच हमने ऐड किया है, जैसे कि मैंने दिखाया था कि जो लोखंड का टुकड़ा हमने वेल्ड किया था इस तरीके से यहाँ पे पैक करेंगे, ताकि पाइप जो है वो रोल ना हो। काम की क्वालिटी यहाँ पे हम दर्शा रहे हैं, हम लेवल 2 में ही पूरी तरीके से काम कर रहे हैं टिपू भाई प्लम्बर। तो इस तरीके से गाइस देख सकते हैं अब ये पूरी तरीके से पैक हुआ। अगर हम इसे राउंड भी फिराएंगे तो पाइप जो है वो गोल फिरेगा नहीं, जिसकी वजह से हम जब टैंक रखेंगे तो वहाँ पे वो राउंड पाइप नहीं फिरेगा और टैंक को रिस्क नहीं होगा। तो यहाँ पे भी अच्छे से फिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से पत्थर लेके जो है पहले पैकिंग करेंगे, डायरेक्ट माल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम माल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो जब भी हम टैंक रखेंगे तो वो हिल जाएगा और वो लेवल में काम नहीं होगा और पाइप जो है वो बेंड हो जाएगा। जब तक काम नहीं होता है गाइस वहाँ पे हम लेवल बाटली जो है यहाँ पे स्टे रखेंगे। तो इस तरीके से गाइस हम लेवल बाटली का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे काम की क्वालिटी दिखाती है कि किस तरीके से हमें काम करना है। छोटी छोटी चीज़ों को भी हमें ध्यान देना होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटे मोटे पत्थर वगैरह होंगे कंकड़, तो वहाँ पर हम पहले पैकिंग करेंगे माल लगाने के पहले। जो भी हम मटेरियल लगाएंगे यहाँ पे सीमेंट बालू, तो पहले छोटे छोटे कंकर जो होंगे हम क्या करेंगे वहाँ से साइड में अच्छे से पैक करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं छन्नी से हम वहाँ पे फिट कर रहे हैं। ऊपर हमारी लेवल बाटली को भी हम ध्यान दे रहे हैं ताकि लेवल जो है वो ना चुके। तो जैसे हम हर जगह पे हम जो है कंकर और थोड़ा से पत्थर डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम सीमेंट और बालू से जो है वहाँ पे पैक करेंगे, और उसके बाद जो है फिनिशिंग के लिए वाइट सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो है वो ज़्यादा गंदा ना दिख सके। तो ये था पी रही हमारे पास नीला, नीले से अब हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे पूरी तरीके से पैकिंग दे रहे हैं और उसे साफ़ कर रहे हैं, टचअप का काम हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ तक कि गाइस प्रोसेस आपको समझ में आ गई, अपने यहाँ पर वाइट सीमेंट से जो है अच्छे से पैक कर लिया है।
तो हमारा यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर हम जानकारी लेंगे तो बेहतर रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आप चैनल पर नए हो तो। इसी तरीके से प्लम्बिंग की हम पूरी डिटेल देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आप ये पूरी तरीके से फिनिशिंग काम हो गया है। ये पाइप का टुकड़ा भी हमने जो है भंगार से उठाया था, तो ज़्यादा कॉस्ट इसका नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये दो जो बार है यहाँ पे रेडी हो गए, लेवल बाटली में भी पूरी तरीके से फिट है। चलिए अब बढ़ते हैं हम टैंक फिट करने की ओर। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने प्लॉट लगाया और टैंक रखा हुआ है। अब यहाँ से एक पॉइंट देंगे, कस्टमर ने जैसे डिमांड किया है, ये कॉरपोरेशन का पॉइंट आने वाला है। ऊपर से बोर का पानी तो ऑलरेडी आ रहा है, ये एक्स्ट्रा जो है कस्टमर की डिमांड थी कि एक्स्ट्रा जो है स्टोर के लिए वो टैंक बिठा रहे हैं। टैंक हमने ऊपर रखता हुआ वीडियो नहीं बनाया क्योंकि जगह कम थी, तो वहाँ पे हमें सेफ्टी का प्रॉब्लम आ रहा था, इस वजह से हमने टैंक रखता हुआ वीडियो नहीं दिखाया। यहाँ पे प्लम्बिंग का वर्क चालू हो गया है दोस्तों। यहाँ पे क्लिप मारा हुआ है जैसे हमने वीडियो में बताया था। यहाँ पे कस्टमर ने डिमांड किया था और बैक साइड में उनका टॉयलेट है, वहाँ से भी हमने जो है एक पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहले वाला जो है फिटिंग है जो ऊपर से आया हुआ है बोर की लाइन, और ये अभी जो हमने नया कनेक्शन दिया हुआ है, एक जो एल्बो आया हुआ है वो ओवर फ्लो का पाइप है। यहाँ से देख सकते हैं गाइस, और एक हमने क्या किया, ये इनलेट है वाटर टैंक का, ये इनलेट है और ये आउटलेट है। ऊपर जो टी लगाई है वो एयर के लिए हमने दिया हुआ है ताकि यहाँ पे बबल्स और एयर ना पकड़े। अब यहाँ पे जो टी लगाया हुआ है मैं वहाँ पे बैक साइड में भी दिखाऊंगा आपको, टॉयलेट में एक नल हमने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अब यहाँ पे टाइल्स फोड़ के अंदर कंसील भी कर सकते थे, लेकिन कस्टमर ने कहा कि ज़्यादा तोड़ फोड़ ना करें, इससे खर्चा बढ़ जाता है, तो इसलिए हमने ओपन लाइन दी हुई है। यहाँ से हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट टॉयलेट के लिए दिया हुआ है। ये ऑलरेडी जूना नल है बोर का और ये कॉरपोरेशन का एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है ताकि इमरजेंसी में इसको इस्तेमाल कर सके। पानी की प्रॉब्लम की वजह से अपार्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम आता है, तो लॉफ्ट टैंक हम वहाँ पर लगाते हैं। मान लीजिए अगर आपके वहाँ पर लॉफ्ट टैंक का पॉइंट नहीं है, तो इस तरीके से दोस्तों आप घर बैठे भी देख सकते हैं। ऐसे हम देखिए गाइस, मैंने ये पाइप डाल दिया है, ये 2.5 इंच मैंने और यहाँ पे अभी देखिए इसकी ताकत देखिए गाइस। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। सुपर